गाइस वेलकम टू हैवी कोडिंग पेज पे लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम कंटिन्यू करने वाले हमारा थर्ड पार्ट ऑथेंटिकेशन का। सो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन और ऑथेंटिकेशन बता दिया कि किस तरीके से हमारा यूजर यहाँ पर ऑथेंटिकेट होता है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या देखना है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पर गलत हो जाती है, अगर कोई यूजर यहाँ पर ढंग से उसका जो अटेम्प्ट है वो नहीं चलता है, तो उसको वापस से रिडायरेक्ट बैक यहाँ पर किस तरीके से कराना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे अगर कोई यूजर यहाँ पर लॉगिन है तो वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जा सके, और अगर वो पहले से ही यहाँ पर लॉगिन है तो वो वापस से लॉगिन के पेज पे ना आए। तो चलते हैं इसको सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा रहा है एक कंडीशन इफ ऑथ अटेम्प्ट, अगर ये अटेम्प्ट ही गलत हो जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पर ये वापस से लगा देनी है एल्स रिटर्न रिडायरेक्ट बैक, मतलब वो वापस से बैक हो जाए अगर यहाँ पर कोई वो गलत यहाँ पर डिटेल को ऐड कर देता है। तो हम यहाँ पर गलत डिटेल ऐड कर रहे हो, तो जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ ये वापस से आ जा रहा है। तो आप यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, इसके साथ विद के साथ आप यहाँ पर मैसेज भी दिखा सकते हैं, या आप सेशन के थ्रू भी या फ्लश के थ्रू भी आप मैसेज करा सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये चीज़ मैं अभी के लिए स्किप करूँ क्योंकि आगे हम प्रोजेक्ट बनाने ही वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर होंगी कि मैसेज कैसे दिखाना है। अभी हम देख रहे हैं अटैम्प्ट, यहाँ पर अटैम्प्ट हमारे पास गलत हो चुका है, तो रिडायरेक्ट बैक यहाँ पर हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर अटैम्प्ट को सही करते हैं तो एडमिन के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं सही पासवर्ड डाल के इसको कर देता हूँ यहाँ पर लॉगिन, तो हमारे पास वो सेशन जनरेट हो जाता है। अब ये तो हमारे पास सॉल्व हुआ कि अगर हमारे पास अटैम्प्ट गलत हो जाता है तो क्या हो। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मैं यहाँ पर वापस से लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर क्या कर रहा है, द गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर राउट लॉगिन। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो हमने पोस्ट में डाला था, तो हमें यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक देना तो वापस से लॉगिन का पेज यहाँ पर खुल जाएगा, बट यूजर तो लॉगिन कर चुका है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ डैशबोर्ड, अगर मैं फिर से डालता हूँ तो यहाँ पर यूजर तो लॉगिन कर चुका है, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। और यही नहीं, अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस से यहाँ पर आता हूँ तो अटैम्प्ट तो सही चल रहा है कि भाई वो यूज़र अटैम्प्ट कर रहा है, चेक कर रहा है तभी बता रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट अब डैशबोर्ड डाल दूँ तो यहाँ पर फिर से वो आ जा रहा है। तो ये चीज़ को कैसे सॉल्व करें, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद का एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा जो कि ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई यूज़र लॉग इन है, तो ही आगे की नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाए, अदरवाइज वो वापस इसी पेज पर इसको भेज दे अगर वो लॉग इन नहीं है तो। तो अब सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक तो बना लेते हैं लॉगआउट बना लेते हैं। तो डैशबोर्ड कंट्रोलर के अंदर भी मैं अभी क्या बना लूँ, एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम है यहाँ पर लॉगआउट। तो लॉगआउट बेसिकली हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारे पास जो नेम वगैरह वो यहाँ से चले जा रहा हो और हमारा रिडायरेक्ट बैक हो जाए जो हमारे फॉर्म पर। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे सेशन है उनको सभी सेशन को हमें यहाँ से फ्लश कर देना पड़ेगा, तो ये हमारे पास लॉगआउट हो जाएगा। और इसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिडायरेक्ट किस पे करेंगे, रिडायरेक्ट सिर्फ स्लैश पे, जो कि हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट भी आप यहां पर चला सकते हैं। तो लॉगआउट नाम का फंक्शन है, इसको यहां पर चला लेते हैं और फिर से यहां पर लॉगिन करके देखेंगे स्लैश लॉगआउट। तो अब ये बता रहा है 404 नॉट फाउंड। क्यों है 404 नॉट फाउंड, इसके अंदर तो हमने यहां पर बनाया नहीं है अभी। तो सिंपली डैशबोर्ड के नीचे हम यहां पर क्या कर लेते हैं, लॉग आउट, और लॉगआउट अगर चलता है तो लॉगआउट नाम का ही फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। तो अब चला लेते लॉगआउट, तो लॉगआउट से यहाँ पर वापस आ चुका है। पहली क्या चीज़ देखनी है कि अगर वो लॉगिन है तो ही यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाए, अगर वो लॉगिन है तो वो डैशबोर्ड पे जाए। तो यहाँ पर हम चला लेते वापस से, अगर मैं स्लैश ये फॉर्म लेना चाहता हूँ तो वो ना आए। तो इसके लिए एक बनाना है हमें यहाँ पर मिडलवेयर। तो मिडलवेयर क्या है, PHP आर्टिसन मेक कॉलन मिडलवेयर, और इस मिडलवेयर का यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत लग रही मेरे को, मिडलवेयर, और इस मिडलवेयर का नाम दे देता हूँ मैं यूज़र ऑथेंटिकेट, कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं, खुद का आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। अभी ये बता रहा है कि मेक यहाँ पर एम्बिगियस है, दोबारा से देखते हैं PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर, इसका स्पेस यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास बन चुका है ऑथेंटिकेट नाम का एक मिडलवेयर, चलते हैं यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर आते हैं, यूज़र ऑथेंटिकेट नाम से यहाँ पर बन चुका है। तो यूजर ऑथेंटिकेट यहाँ पर बन चुका है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें उसी ऑथ को चेक करना है। तो ऑथ को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, यूज इल्यूमिनेट, इसके बाद आएगा सपोर्ट फैकेट्स, इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे ऑथ का यूज, ऑथेंटिकेशन का हमें यहाँ यूज करना ही करना है। तो इफ कंडीशन, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ, क्या कंडीशन लगा रहा हूँ कि जो ऑथ है ना
अगर वो चेक है, मतलब वो चल के सेशन बन चुका है ऑथ का, और साथ ही साथ अगर जो सेशन आ रहा है हमारे पास, मैं एक और यहाँ पर सेशन लगा लेता हूँ, सेशन के अंदर या सेशन को हम यहाँ पर चेक करा लेते हैं, तो सेशन हैज, अगर सेशन के अंदर कोई भी आईडी आ रही है तो क्या हो, ये रिटर्न कर दे अगली रिक्वेस्ट को, मतलब वो आगे बढ़ जाए, मतलब हमने रिडायरेक्ट कहाँ लगा रखा उसको, डैशबोर्ड पे। अगर यहाँ पर नहीं चल रहा है ये चीज़, तो हम इसको वापस से रिटर्न रिडायरेक्ट करा देते हैं स्लैश पे, मतलब लॉगिन के पेज पे। अगर यहाँ पर बना हुआ है लॉगिन, तो वापस से हो जाए वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है हमारे पास, रिडायरेक्ट डैशबोर्ड। अगर तो यहाँ पर नहीं बना है, तो वो वापस से उस फॉर्म के ऊपर ले जाए। अब ये क्या कर रहा है, सेशन हैज आईडी, तो उस सेशन को भी हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ पर सही से लिख लेते हैं, यहाँ पर सपोर्ट पैकेट्स ऑथ, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं सेशन। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर वो ऑथेंटिकेशन चेक हो चुका है, तो वापस से उसको क्या कर दें, हमें डैशबोर्ड पे उसको लेकर जाना है। बट वो चीज़ हम यहाँ पर कैसे चेक करें कि भाई हमारे पास जो सेशन बन रहा है, अगर वो नहीं आता है तो वापस से लॉगिन ये चला जाए। तो वो चीज़ हम यहाँ पर किस तरीके से चलाएंगे, जो हमने यहाँ पर यूज़र ऑथेंटिकेट नाम से जो ये बनाया मिडलवेयर, इसको हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमारे जो लॉगिन वाले राउट है। तो डैशबोर्ड पे हम यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर मिडलवेयर का यूज़ कर रहे हैं, मिडलवेयर हमने चलाया यूज़र ऑथेंटिकेट। अगर भाई ऑथेंटिकेट है तो ही जाके रिक्वेस्ट आए, अदरवाइज ये डैशबोर्ड पे इसको वो सॉरी हमारे जो फॉर्म है उस पे ये वापस रिडायरेक्ट कर दे। तो मैं यहाँ पर से कर लेता हूँ अभी लॉगआउट। लॉगआउट से क्या होगा, सेशन हमारे पास डिस्ट्रॉय हो चुका है और ऑथ का चेक भी यहाँ से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो एक बार देख लेते हैं कि डैशबोर्ड ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा हमारे पास। तो जैसे मैं डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ, तो बता रहा था यूज़र ऑथेंटिकेट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर बता रहा है यूज़र ऑथेंटिकेट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बता रहा है, हमने मिडलवेयर तो बना लिया, बट मिडलवेयर को यहाँ पर असाइन नहीं करा कर्नल वाली फाइल में। ये इसलिए छोड़ दूँ ताकि आपको यहाँ पर पता चलता रहे कि यहाँ पर किस तरीके से एरर जनरेट होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर चेक नाम का बनाया था मिडलवेयर, जब हमने इसको कर्नल में डाला था, वैसे हम यहाँ पर बना लेंगे यूज़र ऑथेंटिकेट, जो हमारा मिडलवेयर का नाम है वही यहाँ पर, और इसको मैं एक छोटा नाम देता हूँ यूज़र ऑथ, खुद से नाम बना लिया कि यूज़र ऑथ, इसके थ्रू हम इसको चलाएंगे। चलते हैं यहाँ पर यूज़र ऑथ, चलता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखा आपने, अब मैं डाल रहा हूँ ना अगर डैशबोर्ड, अभी तो जब तक मैं डैशबोर्ड डाल रहा था ये जा रहा था आगे, अब मैंने इसको वहाँ ही पकड़ लिया कि भाई जब तक लॉगिन हो ही नहीं, ये वापस से इसको कहाँ कर दे, इसी फॉर्म पे आ जाए। तो इसी फॉर्म में इसने इसको वापस कर दिया, तो जब तक लॉगिन नहीं है ये इसी फॉर्म पे आ जाए वापस। दो चीज़ सॉल्व हो गई है, अगर कोई गलत यहाँ पर चीज़ डाल रहा है तो ये वापस से रिडायरेक्ट हो जाए। दूसरी चीज़ क्या सॉल्व हो चुकी है कि अगर कोई यहाँ पर डायरेक्टली डैशबोर्ड पर आना चाह रहा है, तो भाई एक मिडलवेयर काम कर रहा है यूज़र ऑथ का, कि वो आपको जाने नहीं देगा जब तक आपका यहाँ पर ऑथ चेक नहीं हुआ है, क्या पर इधर जब तक आपका ऑथेंटिकेशन का चेक नहीं हुआ। अटेम्प्ट के बाद चेक एक फंक्शन यहाँ पर फंक्शन चलता है जो कि सेशन बनाता है, और उस सेशन के साथ साथ मैंने एक और चीज़ यहाँ पर सिक्योरिटी डाली कि भाई उसके अंदर एक आईडी भी होनी चाहिए। आईडी क्या है वो एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर शायद थोड़ा गलत करा है, यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी बनाई थी, तो यूज़र आईडी भी चेक कर लेते हैं कि भाई अगर यहाँ पर ये चेक है ना यूज़र आईडी, तो ही यहाँ पर ये जाके इसको आगे भेजेगा। तो अब क्या करते हैं, एडमिन 1 2 3 4 5, जैसे मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ, अब आ गया है डैशबोर्ड। अब कोई यहाँ से इसको कट करके डैशबोर्ड लिखता है तो वापस से डैशबोर्ड पे आ रहा है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं यहाँ से फिर से फॉर्म पे आ गया और यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं डैशबोर्ड, तो अब ये जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर बन चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है कि सेशन यहाँ पर बन रहा है और ऑथ अटेम्प्ट यहाँ पर हो चुका है। बट अगर मैं कर दूँ लॉगआउट और फिर यहाँ पर डैशबोर्ड को चलाऊंगा, तो अब ये नहीं जाने देगा क्योंकि सेशन ही डिस्ट्रॉय हो गया, ऑथ चेक का भी सेशन चला गया, सेशन एज यूज़र आईडी भी चला गया। तो अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि भाई डैशबोर्ड पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। बट एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अगर मैं यहाँ पर से लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन हो चुका है, इसके बाद अगर मैं डायरेक्टली स्लैश डालता हूँ, तो मतलब फॉर्म पे वापस जा रहा है भाई, यूज़र तो लॉगिन है बट फिर उसको वापस से क्यों भेज रहे हो, तो उसको आ जाएगा गुस्सा कि भाई अभी तो यहाँ पर लॉगिन करा मैंने और क्यों चला गया। बट असल में तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे तो जाएगा ही क्योंकि लॉगिन हो चुका है, बट अगर नहीं हुआ है तो वो वापस से कैसे आए, लॉगिन पे आना ही नहीं चाहिए वो। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, लारावेल ने इस चीज़ का भी यहाँ पर बना रखा है एक प्रोसेस, उसको हम कहते हैं गेस्ट मिडलवेयर। गेस्ट मिडलवेयर अगर पहले से यहाँ पर चल रहा है तो वो उसको रिडायरेक्ट कर देगा इफ ऑथेंटिकेटेड। तो चलते हैं यहाँ पर
बना बनाया उसको हमें यहाँ पर कुछ बनाना भी नहीं है, सिर्फ यूज करना है। आप यहाँ पर देखेंगे गेस्ट नाम से एक रिडायरेक्ट है, वो एक मिडल वेयर है, गेस्ट के अंदर एक मिडल वेयर है, रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब अगर वो ऑथेंटिकेट है पहले से तो वो लॉग इन पर उसको लेकर ही ना जाए, वापस उसको उधर ही फेंक दे जहाँ से वो आया है। तो रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेट है, तो इस कंट्रोलर को वो मिडल वेयर को देख लेते हैं, ये रहा रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। तो अब यहाँ पर क्या बना हुआ है, लारावेल का एक गार्ड बना हुआ है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, वो यहाँ पर चेक कर रही है जितने भी अंदर उसके अंदर गार्ड लगे हैं ना, ऑथेंटिकेशन का गार्ड अटेम्प्ट हो चेक हो, यहाँ से चेक कर रहा है उसको, जितने भी यहाँ पर उसके अटेम्प्ट हुए हैं वो सारी चीज़ों को चेक कर रहा है। तो अगर ये यहाँ पर चल जाता है, मतलब जो उसका चेक परफेक्ट है, सेशन उसको मिल रहा है, तो ये रिटर्न कर देगा रिडायरेक्ट राउट सर्विस प्रोवाइडर के होम पे। मतलब अगर वो लॉगिन है, दूसरी भाषा में आपको समझाऊं तो अगर वो लॉगिन है तो उसको डैशबोर्ड में फेंक देगा, अगर कोई यहाँ पर वापस से लॉगिन पे आना चाहता है तो भी वो उसको डैशबोर्ड में फेंक देगा, इफ अगर वो उसका गार्ड यहाँ पर चल रहा है, मतलब उसका सेशन बना हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या है कि राउट सर्विस प्रोवाइडर क्या है और ये होम क्या है, तो राउट सर्विस प्रोवाइडर भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर, प्रोवाइडर्स नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर आप आते हैं तो आपको मिलेगा एक राउट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि यहाँ पर बता रहा है कि आपको रिडायरेक्ट करवाना कहाँ है अगर पहले से लॉगिन है तो। अगर कोई लॉगिन पे यहाँ पर फिर से फॉर्म पे आना चाह रहा है तो अगर वो लॉगिन है तो वापस से कहाँ कराना है, तो इसके अंदर यहाँ पर एक कॉन्स्ट के अंदर एक होम नाम का एक वेरिएबल है, वो क्या कर रहा है नेक्स्ट करा दे रहा है, किस पे, डैशबोर्ड पर। यहाँ आपको अपने राउट का नेम लिखना है, कौन से राउट पे आप यहाँ पर इसको भेजना चाहते हैं। तो भाई मेरे को तो डैशबोर्ड पे ही भेजना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डैशबोर्ड, ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ है डैशबोर्ड पे ही इसको भेजना है मुझे। तो ये आपको मिलेगा प्रोवाइडर्स के अंदर राउट सर्विस प्रोवाइडर, और आपको यहाँ पर पास कर देना डैशबोर्ड की, अगर लॉगिन है तो वो उसको वापस से डैशबोर्ड पे भेज दे। तो अब एक बार चलते हैं यहाँ पर कर्नल वाली फाइल में और गेस्ट नाम के मिडलवेयर को यहाँ से उठाते हैं, और इस मिडलवेयर को हम कहाँ पर लगाएंगे, इस पे, इस मिडलवेयर पे लगाएंगे, जो कि है यहाँ पर लॉगिन, लॉगिन पे यहाँ पर लगेगा, या जिस पे भी आप इसको लगाना चाहते हैं, आप ग्रुप मिडलवेयर इसको लगा सकते हैं। ग्रुप मिडलवेयर आपको बताया मैंने किस तरीके से लगता है यहाँ पर ग्रुप मिडलवेयर, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल से, मैंने हम प्रोजेक्ट में तो करने ही वाले हैं। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया मिडलवेयर गेस्ट, ये वो चलाएगा कि अगर यूजर ऑथेंटिकेट है तो ही जाके डैशबोर्ड पे आए, और ये गेस्ट नाम से बना बना मिडलवेयर क्या देख रहा है कि अगर यूजर लॉगिन है तो वो उसको भेज दे डैशबोर्ड पे, वापस से उसको आने ही ना दे, किस पे, जो हमारे पास क्या है डैशबोर्ड लॉगिन का फॉर्म है। तो एक तो लगेगा लॉगिन पे और एक लगेगा यहाँ पर लॉगिन के फॉर्म पे, दोनों पे यहाँ पर चलने वाला है मिडलवेयर गेस्ट। तो अब अगर मैं यहाँ पर से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये डैशबोर्ड पे इसको वापस रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेट नाम के, जो गेस्ट नाम का यहाँ पर हमने इसका जो नेम दे रखा है लारावेल ने, और ये जो मिडल वेयर है वो है रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, ये बना बनाए यहाँ पर लारावेल का मिडल वेयर है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा किस तरीके से यहाँ पर ये चल रहा है ऑथेंटिकेशन का, रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। अब अगर कोई जानना चाहता है यहाँ पर वापस से फॉर्म पे स्लैश डाल के, तो ये इसको अभी जाने नहीं देगा जब तक कि वो लॉग आउट नहीं होगा, उसको लॉग इन के पेज पर यहाँ पर आने नहीं देगा। तो अगर मैं इसको कर लेता हूँ लॉग आउट, तो जैसे ही लॉग आउट और अभी आ रहा है, बट अब ये इसको कहाँ जाने नहीं देगा, डैशबोर्ड पे। तो अब ये बन गई हमारे पास सिक्योरिटी की कौन सी, अगर आप कुछ भी अपने राउट पे लगाना चाहते हैं ना, तो ये आप हर एक राउट पे लगा सकते हैं, गेस्ट वाला कि अगर वो लॉगिन है तो वापस से चल जाए, और ये वाला भी आप लगा सकते हैं कि अगर वो यूज़र पहले से ऑथेंटिकेट है तो यहाँ पर तभी उसको रिडायरेक्ट यहाँ पर कर दे। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमारे पास लॉगिन और लॉग आउट, इसका ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट अटैम्प्ट, चेक, रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।